Hello students, let's solve this question. If one root of x square minus x minus k equal to 0 is square of the other, then k is equal to. Alright. So students, basically इस question में हमें ये कहा गया है कि अगर आप इसका एक root, there is a relation between two root, क्या root है, क्या relation है कि जो इसका एक root है वो दूसरे root के square के equal है. Alright, and this is a quadratic equation. तो अगर ऐसा है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी. So let's start this question. First of all, we'll write the given equation. Given equation is x square minus x minus k equal to 0. Alright, now understand this question again. हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि जो इसके रूट है मतलब इसका एक रूट दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है. तो यहां से हम कह सकते हैं लेट अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर ओके बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0. ऑलराइट, तो देखिए हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके रूट्स और कॉफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है. ऑलराइट, तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स का, एंड सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ b अपॉन a. ऑलराइट, व्हाट इज b हियर, b इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x. मैं यहां लिख देता हूं कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. Okay, this is minus. Similarly, there is another relation which is sum of the roots, and sum of the roots is equal to c upon a. So you can say, sorry, product of the roots. Sum of roots हम यहाँ लिख चुके हैं और अब हम बात करेंगे product of roots. So product of roots is equal to c upon a. What is c here? C is a constant. And a is a coefficient of x square. So with the help of this, we can say alpha plus alpha raised to power 2 is equal to 1. Okay. And alpha into alpha square is equal to minus k. Alright. अब देखिए अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे अपनी इन इक्वेशंस को, उससे पहले हम यहाँ मार्क कर देते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू आपके पास आएगी अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस के एंड अल्फा इज इक्वल टू माइनस के रेज टू पावर 1/3. मार्क दिस इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन equation number 1, whose value of 2, values of alpha, and put it in equation number 1. So you can say put value of alpha in equation number 1. So from here you can say minus k raised to power 1/3 plus minus k whole raised to power 2/3 is equal to 1. ओके, अब देखिए इसी को आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे देन यू कैन से दिस इज k 2/3 माइनस k 1/3 इक्वल टू 1. अब देखिए एक चीज यहाँ पे समझनी है, क्या ये माइनस के रेज टू पावर 2/3 है. 2 मतलब इसकी वैल्यू इवन हो जाएगी, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रख लिया, मतलब इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी, पावर क्या है इवन हो जाएगी. तो इट इज अ 2/3 एंड माइनस के बाय के रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 1. ऑलराइट, नाउ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब on बोथ साइड्स। तो ये वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी आपको k 2/3 माइनस k 1/3 होल रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1 रेज टू पावर 3। ओके, अब देखिए ये आइडेंटिटी है a माइनस b होल रेज टू पावर होल क्यूब। देन यू कैन राइट इट हेयर लाइक दिस, k 2/3 इंटू 3 ओके माइनस k 1/3 इंटू क्यूब माइनस 3k एंड दिस इज k 2/3 माइनस k 1/3 ओके इट इज इक्वल टू 1। ये k क्यों आया, क्योंकि देखिए a इंटू बी करना है हमें, 3 इंटू a इंटू बी, तो 2/3 इंटू 1/3 ये पावर ऐड हो जाएंगी एंड इट विल बिकम 1। ओके, अब देखिए इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 3k एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम हेयर यू कैन से इट इज 1। ओके, k raised to power 2/3 minus k raised to power 1/3 from here you can see it is 1, so this is 1 equal to 1 okay and this will become k square minus k minus 3k equal to 1 and from here you will get k square minus 4k minus 1 equal to 0 okay. Now you have new quadratic equation in the form of k और यू कैन से इन वेरिएबल k ओके। अब देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। देन वी विल गेट दिस इज द इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0। सो सॉल्व दिस एंड वी विल गेट k इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5 ओके। सो यहाँ से हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऑलराइट।